ईडी, सीबीआई और आईटी के दुरुपयोग पर लगाम लगा सकता है ईसीआई। अखिलेश ने चुनाव आयोग का बताया उम्मीद की किरण। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ईडी, सीबीआई और आईटी के दुरुपयोग पर लगाम लगा सकता है। उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र बचेगा तभी चुनाव आयोग की गरिमा और प्रतिष्ठा भी बची बनी रहेगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। विपक्ष की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि जो नेता सरकार के खिलाफ अपनी बात जोर शोर से उठाते हैं उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जो नेता भ्रष्टाचार में फंसे हैं उन पर ही कार्यवाही की जाती है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईडी, सीबीआई और आईटी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को उम्मीद की किरण बताया है। अखिलेश यादव ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, ई इज इक्वल्स टू ईडी, सी इज इक्वल्स टू सीबीआई, आई इज इक्वल्स टू आईटी। जिस तरह ईडी, सीबीआई और आईटी विभाग के आगे के पहले अक्षरों को मिलाकर ईसीआई बनता है, वो दरअसल इस बात का सकारात्मक इशारा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही उम्मीद की वो किरण है जो भाजपा सरकार द्वारा ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट के दुरुपयोग पर आगे से लगाम लगा सकता है। दिल्ली में रैली के बाद अखिलेश यादव का ये पोस्ट दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ रैली के अगले दिन ही आया है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, डोरेक ओब्रायन, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे बड़े नेता शामिल हुए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार के खिलाफ इस रैली को कल्पना मुर्मू और सुनीता केजरीवाल ने भी संबोधित किया था।